हमारे साथ उज्जवल रमन है। सर, जिस तरीके से पूरा विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वैसे में सरकार के लोग बोल रहे हैं कि जब आप लोग जीत जाते हैं तब तो कोई सवाल नहीं खड़े करते हैं, जब हार जाते हैं तो सवाल खड़े करने लगते हैं। देखिए, ये बात सरकार की तरफ से दुष्प्रचार है। हम लोगों का पहले भी सवाल था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि ये सवाल जो विपक्ष ने उठाया है, ये विपक्ष का सवाल नहीं, ये जनता के बीच का सवाल है। अगर आप गांव में जाइए तो जो सबसे निरक्षर लोग भी हैं, वो भी आज इस पर सवाल कर रहे हैं कि वोट हम कहीं देते हैं और जाता कहीं और है। बड़ा प्रश्न इस बात का है। तो हम लोगों लोकसभा चुनाव में कहीं नहीं गया, सब आप लोगों के पास आया। निश्चित तौर पर अगर जो है सब अगर हमारे पास आया होता तो निश्चित तौर से सरकार हमारी बननी चाहिए थी। देश का माहौल, देश का मूड इंडिया गठबंधन की सरकार के प्रति था, जो कि इस सरकार ने रोका, जो कि गलत काम किए गए ईवीएम के द्वारा। बैलेट से चुनाव होना चाहिए, इसकी मांग ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने की है, इसकी मांग नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने की है, इसकी मांग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने की है, और इसकी मांग लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी ने की है, और बाकी इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने भी इसकी मांग की है। तो लोगों को ये समझना है कि लोग तैयार हैं बैलेट के चुनाव के लिए, और सरकार को आज नहीं कल झुकना पड़ेगा, बैलेट से चुनाव जरूर होगा, ये हम लोग का मानना है।